हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक ट्रिपल एससी कंबाइंड एग्जाम रो मॉक टेस्ट क्लास पर को स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज आम इंग्राजी रो मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड किसी क्वेश्चन करवा जहाँ कि एग्जाम रे निहाती भाव आसवर संभावना रोचे, से ही पेटेंट रो क्वेश्चन आसवर संभावना रोचे। तो फ्रेंड्स, सीरीयसली जब प्रिपेरेसन करते निहाती भाव भिडियो को मूल रू शेष पर्यटन देखु एवं प्रैक्टिस जेते जदि जेते बेसी करि परिबे आपण सेते सफलता पाई परिबे। तो ए चैनल तरफ रु मैथ एवं इंग्लिश रो प्रैक्टिस सेट करा हेची। मैथ रो आपनकर 200 क्वेश्चन अछि, इंग्लिश रो 200 क्वेश्चन अछि, जहार रेट केवल मैथ रो 50 रुपीज, इंग्लिश रो 50 रुपीज एवं बोथ जदि नेबे 80 रुपीज रे आपण पाई परिबे, 20% डिस्काउंट रे पाई परिबे। एवं व्हाट्सएप नंबर दिया हेची डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण कांटेक्ट करि परिबे। मैथ रो डिटेल्स आंसर अछि 93 पेज रो पीडीएफ, इंग्राजी रो आपण 164 पेज रो पीडीएफ टा पाई परिबे। तो देखंतु एठी प्रथम प्रश्न अछि, आई एम वेरी डैश ऑफ माय फ्रेंड्स सक्सेस वांस हिज डैश दिनेश, एटा दिनेश वांस वांस हिज डैश दिनेश इज द आर्क एनेमी ऑफ हिज मेंटर। तो ये दुटा शब्द दिया है, गोटे कॉन्फिडेंट दिया है और गोटे कॉन्फिडेंट दिया है। तो क्यों शब्द क्यों जगार बसव सीटा आम करवा। आई एम भेरी डैश ऑफ माय फ्रेंड सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट माने कौन से आज बुझीपार्थ माने मु कॉन्फिडेंट अच्छी। तो आई एम भेरी कॉन्फिडेंट माने मोर सांगर सक्सेस निश्चित भाव हेबो एवं से विषय प्रति मु पूरा कॉन्फिडेंट अच्छी, 100% सियोर अच्छी। तो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट वांस हिज डैश दिनेश इज द आर्क एनेमी ऑफ हिज मेंटर। आउ आउ जो कॉन्फिडेंट रहिला यार मीनिंग होची जिए माने सीक्रेट कही दिए, वन हु टेल्स दि सीक्रेट माने जनकर सीक्रेट आउ जनक पाखकु पाखरे कही दिए। तो वांस हिज कॉन्फिडेंट दिनेश इज द आर्क एनेमी ऑफ हिज मेंटर माने दिनेश माने तार मेंटर रो सीक्रेट टा काहु कही देछि, तो सेथि पई तार मेंटर ता सहित शत्रुता आचरण करूछि माने दुई जनक भितर आउ भलो संपर्क नाही। तो एटा एठी कॉन्फिडेंट हेले सेकंड सेंटेंस रे कॉन्फिडेंट हबो। तो एई प्रकार प्रश्न आसिबार बहुत संभावना रहूछि। तो देखंतु नेक्स्ट आपण गोटे प्रिपोजिशन रो क्वेश्चन देखिबा, ही ग्लान्स डैश हर फेस एंड स्टार्टेड नोटिंग डाउन हर एड्रेस। ही ग्लान्स डैश हर फेस एंड स्टार्टेड नोटिंग डाउन हर एड्रेस माने से ता मुह को थोड़े चाहिला एवं तार एड्रेसटा लिखिला। ही ग्लान्स कार मुह को देखिला माने ही माने पुओटा से हार माने झीटा से पुओटा से झीर मुह को टे देखिला एवं कौन कला तार एड्रेसटा लिखिला। तो ग्लान्स सहित कौन हुए, ग्लान्स एट, ग्लान्स एट माने क्विक लुक, ग्लान्स एट माने कौन क्विक लुक माने शीघ्र शीघ्र देखीदेला पुणी से तार एड्रेसटा लिखिला एड हबो। तो ये देखा यहाँ हूँ इडियम एंड फ्रेज मोस्ट इंपोर्टेंट कथा ओ ट्रिपल एससी रो बहुत सारा एग्जाम आपण आसूँ कौन आसूँ इडियम एंड फ्रेज आसूँ कि एग्जाम आसूना। तो निहाती भाव आप इडियम एंड फ्रेज प्रिपेयर हूँ। इडियम एंड फ्रेज स्पेशल क्लास कराई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी आपण ये तो 87 नंबर क्लास 86 क्लास ए जाए कराला इंग्राजी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकि देखिपर प्ले लिस्ट। मेनी वुड बी लीडर्स हैव फिट ऑफ क्ले, मेनी वुड बी लीडर्स हैव फिट ऑफ क्ले, फिट ऑफ क्ले माने लीडर मानकर नेता मानकर कौन थाए फिट ऑफ क्ले थाए, फिट ऑफ क्ले माने कौन, फिट ऑफ क्ले रो मीनिंग टा कौन, जो माने सचोट नुहंती, जो माने सचोट नुहंती। तो एटा हिबो आर फ्लॉड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी माने ठक प्रकृति रो जो माने। तो फिट ऑफ क्ले रो मीनिंग होची एटा आपनकर ऑप्शन 3 हबो, एटा माने रखंतु मु आउ एटा डिस्कशन करू नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, ही इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। कूल अबाउट वर्किंग रो इडियम आउ फ्रेज रो एआर मीनिंगटा कौन, कूल अबाउट वर्किंग, कूल अबाउट वर्किंग। तो आपन को जदि राती रे काम करबा पई दिया जिबा, आपन राती रे काम करबा पई चाहिबे कि रेडी हेबे कि प्रस्तुत रहिबे कि नो प्रस्तुत रहिबे नाही, तो सेति पई एटी कौन होची कूल अबाउट वर्किंग रो मीनिंग होची नॉट रेडी टू वर्क, नॉट रेडी टू वर्क। नेक्स्ट, माय फादर्स डीलिंग आर ओपन एंड एबोव बोर्ड, माय फादर्स डीलिंग्स एंड डीलिंग्स आर ओपन एंड एबोव बोर्ड। यार मध्य मीनिंग आम देखा मैंने मो बापा जो भी डीलिंग करते सेटा कौन ओपन एंड एबोव बोर्ड माने सेटा हूँ कौन ओपन ओपन एंड खोलाखोली भाव जो जे माने डीलिंग करे। तो यहाँ एबोव बोर्ड रो मीनिंग हूँ विदाउट एनी सिक्रेट, कौन सी मैंने लुका लुकि करते ना कौन सी लुचा छपा करते ना एवं से हिसाब से कौन करते डीलिंग करते। एबोव बोर्ड रो मीनिंग हूँ विदाउट सिक्रेट, विदाउट एनी सिक्रेट। विश्वनाथ आरम डैश फुटबॉल, एटा बहुत पिला भूल करती से क्वेश्चन टा दिया है एग्जाम रे मध्य प्रकार प्रश्न आसूची।
विश्वनाथ आनंद डैश फुटबॉल प्लेज इज प्लेइंग हैज प्लेड। तो ये गोटे टेन्स क्वेश्चन मन रखु टेन्स रु निहाती भाव गोटे मार्क आसो। विश्वनाथ आनंद डैश फुटबॉल प्लेज इज प्लेइंग हैज प्लेड। तो विश्वनाथ आनंद कौन करती सबुबले फुटबॉल खेलती सबुबले खेलती मैंने कौन सहीटा हबी कि नुह इज तो इज प्लेइंग हेबना बर्तमान तो से खेलु ना हैज प्लेड मैं हेबना। तो यहाँ जेनराल वार्ड जेनराल ट्रुथ जेहेतु ये आम प्लेज लिखा कौन लिखा प्लेज विश्वनाथ आनंद प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मिस्टर दास इज ए टीचर हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस इज। देख बेले बेले कौन हो मैं वो ट्रिपल एसी जेहेतु मेट्रिक लेवल क्वेश्चन मेट्रिक लेवल क्वेश्चन जेहेतु आसुच्छे कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट ऑब्जेक्ट उपर क्वेश्चन बेले बेले आसुच्छे कौटा नाउन कौटा एडभार्ब कौटा प्रोनाउन यही क्वेश्चन आसुच्छे। तो से नाउन प्रोनाउन कौटा नाउन कौटा प्रोनाउन कौटा एडभार्ब कौटा प्रिपोजिशन कौटा कंजक्शन यहीटा सब आपको जानवाक हम प्रीवियस वीडियो गुड़ाक दिखाई कतेटा क्वेश्चन मिस्टर दास इज ए टीचर। तो ये कम्प्लीमेंट गोटे आम क्वेश्चन करवा मिस्टर दास इज ए टीचर। तो ये कौटा कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट मीनिंगटा कौन सब्जेक्ट भार्ब थाए ऑब्जेक्ट थाए कम्प्लीमेंट भी थाए सब्जेक्ट भार्ब कम्प्लीमेंट थी सब्जेक्ट भार्ब एडजंक्ट थाए। तो कम्प्लीमेंट एडजंक्ट भितर आम कौन डिफरेन्स एडी जेयू एडजंक्ट कौन डिफरेन्स आपको बुझाऊँ कम्प्लीमेंट है जीए जदि सेन्टेन्स रहा मिनिंगटा कम्प्लीट हे ना से सेन्टेन्स मिनिंगटा कम्प्लीट हे ना। मिस्टर दास इज ए टीचर को जब आम काटिद मिस्टर दास इज मिस्टर दास कौन शिक्षक ना डॉक्टर ना चोर ना पुलिस ना कौन जना पड़ी कि किसी जना पड़ू ना। तो ए टीचरटा कम्प्लीट कर सेन्टेन्स को कम्प्लीट कर कम्प्लीमेंट कौटा कम्प्लीमेंट ए टीचर कम्प्लीमेंट आउ जोटा ना चलो जोटा ना चलो ताल से हूँ एडजंक्ट। तो आप एडजंक्ट गोटे कमेंट बॉक्स रे गोटे एग्जांपल दे कमेंट करूँ आप से काम। तो यहाँ आप सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट आसा सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट रु निहाती भाव क्वेश्चन आसीबो मन रखु एवं सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट रु दुईटा क्लास कर फंडामेंटल क्लास जोटा आपणकर पाइपारे प्लेलीस्ट अच्छी देखु सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट पार्ट वन पार्ट टू निहाती भाव से ही प्रकार क्वेश्चन ही आसीबो आपड़ा भिडियोटा देखिपारे। हार क्लथिंग डैश वाटर प्रूफ क्लथिंग क्लथिंगटा सब बेले कौन हुए प्लुराल हुए ना सिंगुलर हुए कौन हुए प्लुराल ना सिंगुलर यहाँ मन रखा पड़ो घोषा पड़ो जोटा घोषा पड़ो तो घोषा पड़ो कि फर्मूला ना हार क्लथिंग सब सिंगुलर हार क्लथिंग क्लथिंगटा सब सिंगुलर क्लथिंगटा सब सिंगुलर तो से कौन हम इज हे ये मन रखु। तापर देखा चूज दि करेक्ट सेंटेंस चूज दि करेक्ट सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस आम चूज करवा कौटा ठीक अच्छे कौटा ठीक ना। तो आपणकर देखु सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट रु डायरेक्ट क्वेश्चन आम कले यहाँ आउ सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट एमती भी क्वेश्चन दे पार प्रिपोजिशन को एमती भी क्वेश्चन दे पार एडजेक्टिव आपर जो एक्टिव पेसिव हिसाब से चूज दि करेक्ट सेंटेंस हिसाब से इंग्लीश ग्रामर जहाँ भी अच्छी से सब क्वेश्चन को आर्टिकल को यही प्रकार दे पार चूज दि करेक्ट सेंटेंस से फंडामेंटली क्लियर होगा निहाती दरकार फंडामेंटल क्लास कराई आप देखिपारे दि पोल्ट्री हैज बीन फेड दि कैटल आर ग्रेजिंग इन दि फिल्ड ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखो दि पोल्ट्री हैज बीन फेड ये कौन भूल अच्छे आम देखा कि कौन ठीक अच्छे देखा पोल्ट्री पोल्ट्री सब बहुवचन यहाँ आपको पढ़ाई अलरेडी सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट पढ़ाई पोल्ट्री सब कौन हुए पोल्ट्रीटा सब बहुवचन हुए बहुवचन मैंने कौन प्लुराल हुए प्लुराल जदि हे भार्बा कौन होगा कदा प्लुराल होगा कदा हैप पुलिस जमी बहुवचन पोल्ट्री सेमती बहुवचन दि कैटल आर ग्रेजिंग इन दि फिल्ड। देख पाने कौन कहते ये भूल अच्छे भावती कितु ये ठीक अच्छे कैटल तो ये कौन एस फेस किसी लगी ना कहीं आर देमी भाविक भूल कर दिखती कितना कैटलटा बहुवचन यहाँ प्लुराल कैटलटा सब प्लुराल तो से आर लगी तो ये सेन्टेन्स ठीक अच्छे तो भूल अच्छे आउ गोटे कौटा यहाँ ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर दुईटा कथा अच्छे ब्रेड भी गोटे अच्छी बटर भी गोटे अच्छी तो पाने को ठीक भाव भावि ब्रेड गोटे अच्छी बटर गोटे अच्छे दुईटा को जेहतु एंड कनेक्ट करा दुईटा कथा से आर अच्छी भावती कितु सेमती हम ना ब्रेड एंड बटर जदि आपणकर एमती किसी कथ कहला जो मान पाखे सामानता रोचे पाखापाखि ट्रुथ एंड अनेस्टी है ब्रेड एंड बटर है सम एंड सब्सटान्स है यही सब वार्ड गुड़ाक कौन सिनोनिमस टू इज अदर पाखापाखि से सामान
ସମାନତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ନୋସନ୍। ମାନେ ଯଦି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନୋସନ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଧାରଣାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବା ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ୍, ସ୍ପଟ୍ ଦି ଏରର୍, ହି ଇଜ୍ କମିଂ ଅନ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ହି ୱାନ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା କମିଂ, ଏଇଟା କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ହି ଇଜ୍ କମିଂ ଅନ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଭୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି, ସବୁ ତ ଠିକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି କହୁଛି। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଡେ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଡେ ମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହେବ, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ୍ ଲାଗେ, ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଆଡ୍ ହୋଲି, ଆଡ୍ ଦଶହରା, ଏଇଟା ଆଡ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଡେ ଯଦି ଲାଗିଲା, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଡେ ଯଦି ଆସିଗଲା, ଅନ୍ ହେବ, ଏଇ ଦିନକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଇଟା ଦିନକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେବା କଥା, ଆଡ୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ମାନେ ଆମର ଏରର୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଟୁରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ଟୁରେ ଅଛି, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କରାହେଇଛି, ଟୁରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଡେସ୍ 1945। ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କେବେ ଖତମ ହେଲା ବା କେବେ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ, ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗେ, ଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଇନ୍ 1945 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହି ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସ୍, ହି ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍, ଏଇଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଚେକ୍ ହେବ, ଡ୍ୟାସ୍ ଚେକ୍, ସି ଏଚ୍ କ୍ୟୁ ୟୁ ଇ, ହି ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖ ସମାନ କଥା ଅଛି, ବିଲ୍ ବିଲ୍ ଏଠି ଅଛି, ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍, ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, କେସ୍ ଅଛି, ଏଦିନ ଚେକ୍ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହି ପେଡ୍, ଏଇଟା ଚେକ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ SSTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା OSSE ଆପଣଙ୍କର SSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କେତେ ଥର ଆସିଛି। ହି ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହି ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍ ବାୟ ଚେକ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ବାୟ ଚେକ୍, ମାନେ କ୍ୟାସ୍କୁ ଖାଲି ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ହୁଏ, ହି ପେଡ୍ ଦି ବିଲ୍ ବାୟ ଚେକ୍, ବାୟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତ ଇନ୍ ଏବଂ ବାୟ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍, କେବଳ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖିବା ଏଠି ବଟର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଲ୍କ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମେଡ୍ ଅପ୍ ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି, ମେଡ୍ ଅପ୍ ହୁଏ ବୋଲି ଧାରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହେବ, ବଟର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ସୁନାର ଗୋଟେ ମୁଦି ନିଆଗଲା, ରିଙ୍ଗ, ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତ ମିଲ୍କରୁ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ମିଲ୍କରୁ ଯେହେତୁ ବଟର୍ଟା ମିଲ୍କ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଲ୍କକୁ ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ମିଲ୍କକୁ କିଛି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଟର୍ ବାହାରିବ, ତାପରେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିଲ୍କ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡରୁ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡ ନେଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ଆପଣ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଫ୍ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଜ୍ ଡେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜାଲ ଭାବ, ଗୋ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଗୋ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ହେବ, ଗୋ ଇନ୍, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ ଅର୍ ଲାଇକ୍, ତାର ଫ୍ରେଜାଲ ଭାବଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ ଅର୍ ଲାଇକ୍ର ଫ୍ରେଜାଲ ଭାବ କ'ଣ, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦିଜ୍ଡେ, ଗୋ ଇନ୍ ଫର୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ବା ଏନ୍ଜୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋ ଇନ୍ ଫର୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ବା ଏନ୍ଜୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଇ ବାଇ ନ୍ୟୁ ହାରେଟ୍ରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, 87 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ। ଇ ବାଇ ନ୍ୟୁ ହାର୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଇଫ୍ ଆଇ ନ୍ୟୁ ହାର୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଫ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ତ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଥିବ, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍, ନ୍ୟୁଟା କ'ଣ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍,
तो पास्ट सिंपल जदि अच्छी मेन क्लोज रे कौन लगे कंपलसरी लगे वुडटा कंपलसरी ता सहित भार्ब लगे कौन लगे वुड प्लस भार्ब बेसी किसी फर्मूला ना पास्ट सिंपल हेले वुड लगे भार्ब लगे बा कुड भी लगे पारे जोटी जमी वुड लगे ना कुड लगे ठीक अच्छे तो ये कौन लगे देखा इफ आई न्यू हर एड्रेस वुड टेक वुड प्लस भार्ब वुड टेक इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड टेक यू टू हर प्लेस नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ हेरेस हेरेसमेंट जोटा अच्छी हेरेसमेंट जोटा अच्छे तार हेरेस सिनोनिमटा कौन हेरेस करवा हेरेस सिनोनिम हूँ इरिटेबुल इरिटेट इरिटेट इरिटेबुल इरिटेट करवा हेरेस सिनोनिम समान अर्थ बा कौन कहती सिनोनिम विपरीत शब्द को एंटोनिम कह जाए सिनोनिम हूँ इरिटेबुल कन्विंस कॉम्पिटेटिव इटा नुह नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूम ग्लूम माने कौन ग्लूम माने से अंधारिया डिजेक्शन अंधारिया टाइप रो जिनिस को ग्लूम बोली कहा जाए तो एंटोनिम ग्लूम रो विपरीत कौन डिलाइट हबो अंधारिया माने कौन लाइट डिलाइट डिलाइट सतेजता जोटा ग्लूम रो एंटोनिम डिलाइट डार्कनेस आउ डिजेक्शन होजी एटा सिनोनिम कहार ग्लूम रो सिनोनिम होजी डार्कनेस एवं डिजेक्शन नेक्स्ट रुपीज 10-किलो ये आर्टिकल भर बोली कहे आर्टिकल ये लगे कौन करवा आर्टिकल लगे आर्टिकल रु निहाती भाव आप एग्जाम आस 100% मन रखु रुपीज 10 तो से प्रकार आपड़ी प्राक्टिस करने चाहते निहाती भाव प्राक्टिस एट अवेलेबल अच्छी नंबर दिखाई व्हाट्सएप नंबर दिखाई आप कंटाक्ट करूँ रुपीज 10-किलो रुपीज 10-किलो माने जिते बेले भी आपन को मेजरमेंट आसुची किलो हैला किलोग्राम हैला मीटर हैला ता पूर्वर प्रिपोजिशन लागे तो एठी किलो जेहेतु अछि की जेहेतु आसुची कोन हबो की माने कोन एडा व्यंजन वर्ण रो उच्चारण होजी तो रुपीस 10 ए किलो हबो हैला नेक्स्ट नेक्स्ट ला ही सेड टू मी आई हैव एन अम्ब्रेला एडा डायरेक्ट स्पीच दिया हिची डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट करबा आपन भाबी नियंतु कोन हबो यार आंसर ही सेड टू मी आई हैव एन अम्ब्रेला He said to me, I have an umbrella. ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି କେତେବେଳେ ଟୋଲ୍ଡ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ହି ସେଡ୍ ଟୁ ମି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କି ନୁହଁ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ସେଡ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟୋଲ୍ଡ ହେବ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ କେଉଁଠି ଟୋଲ୍ଡ ଅଛି ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଡ୍ ଟୁ ମି ଜାଗାରେ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ରେଲା ତ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା କେବଳ ପାଷ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମର ପାଷ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ରେଲା ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲରେ ଅଛି ତ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହ୍ୟାଭ୍ଟା ହେଡ଼୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହି ହେଇଯିବ ହି ସେଡ୍ ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ଼୍ ଏନ୍ ଅମ୍ରେଲା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହୁ ଏନକରେଜେସ୍ ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯିଏ ଏନକରେଜ୍ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଏ ବେଟର୍ ବୋଲି କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଏ ବି ଇ ଟି ଟି ଓ ଆର୍ ଏନକରେଜ୍ ଯିଏ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଏ ବେଟର୍ କହୁ ନେକ୍ସଟ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏର୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫଳ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରୋପଣ କରାଯାଏ ସେହି ଜାଗାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କହିବା ବହୁତ ପିଲା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଚାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅର୍ଚାର୍ଡ଼ ଅର୍ଚାର୍ଡ଼ରେ କେବଳ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛକୁ ଲଗାଯାଏ ଫୁଲ ଗଛକୁ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ତ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବେ ଅର୍ଚାର୍ଡ଼ଟି କେବଳ ଫଳ ଗଛକୁ ଲଗାଯାଏ ଦି ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ଦି ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଦି ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେୟାର୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଇ ଆର୍ ଦି ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ଇଜ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଇ ଆର୍ ଲେୟାର୍ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ସ୍ପେଲ୍ଡ କରେକ୍ଟଲି କେଉଁଟା କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ ହେଇଛି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଇ ଏଫ୍ ୟୁ ଏସ୍ ସି ଭୁଲ ଅଛି କଲୁଜନ୍ ଡୁଏଲ୍ ଡି ୟୁ ଇ ଏଲ୍ ଡୁଏଲ୍ ସେନ୍ସର୍ ସିଇ ଏନ୍ ଏସ୍ ଓ ଆର୍ ସେନ୍ସର୍ ହେଇଥାଏ ତ କଲ୍ୟୁଜନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କଲିଜନ୍ ବି ହେଇପାରେ ଅଲଗା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କଲିଜନ୍ ଏବଂ କଲ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିପାରିବେ କଲ୍ୟୁଜନ୍ର ମିନିଂଟା କ'ଣ ଗୁଗୁଲ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ